एसपी कार्यालय धर्मशाला में नशा निवारण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांगड़ा के विभिन्न स्कूलों के बच्चों व स्कूल के अध्यापकों ने भाग लिया। इस मौके पर डीआईजी संतोष पटियाल ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उपस्थित विभिन्न स्कूलों के बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत करवाते हुए डीआईजी संतोष पटियाल ने कहा कि किसी भी तरह का नशा करने वाले भविष्य को खराब कर सकते हैं। संतोष पटियाल ने कहा कि स्कूल के अध्यापकों के साथ साथ बच्चों के अभिभावकों का यह भी दायित्व बनता है कि वह रोज अपने बच्चों को कुछ समय के लिए नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाएं। रोजाना अगर अध्यापक व बच्चों के अभिभावक नशे के दुष्प्रभावों को लेकर बच्चों से बात करते हैं तो इससे बच्चों की मसल मेमोरी को मजबूत बनाया जा सकता है, जिसका परिणाम भविष्य में देखा जा सकता है। संतोष पटियाल ने कहा कि मौजूदा दौर में बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक करने की बहुत ही जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस नशा रोकने के लिए अपनी ड्यूटी का पूरी तरह निर्वहन कर रही है, लेकिन इसके लिए युवा पीढ़ी का स्वयं जागरूक होना भी जरूरी है। बच्चों को जागरूक करने का काम अभिभावक व टीचर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें। वो जाके बोलेगा, जैसे हम कॉलेज में गए थे तो चार पांच लोग थे जो लोग थे सूरज प्रकाश साहब को पता इंजीनियरिंग करने जाता है, तो गए एनआईटी भोपाल, तो मैंने मैंने पढ़ाई की है बीटेक।